वेलकम टू यू ऋषभ एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस व्यू सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आई एम गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक कोलाइड्स। माय टॉपिक्स इज कोलाइड्स। नाउ in previous class you discussed suspension, heterogeneous mixture, homogeneous mixture and so on, that means previous lectures. You know some solutions appear homogeneous and heterogeneous, but some solutions which look homogeneous but actually it is not homogeneous, which is heterogeneous. क्या है कि कुछ solutions ऐसे होते हैं जिसको हम लोग देखते हैं कि वह होमोजीनियस दिख रहा है, लेकिन क्या होता है, हाइड्रोजीनियस होता है। ठीक, जो स्टडी किया गया पाया गया। क्या है इसका डिफिनेशन, क्या है तो डिफिनेशन ऑफ कोलाइड्स डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। इसका जो डिफिनेशन है कोलाइड का है, सस्पेंशन का जो डिफिनेशन है वह पार्टिकल्स के बेस पर इसको डिफाइंड किया गया। क्या डिफिनेशन, क्या है ये टाइप सोल्यूशन, क्या है ट्रू सोल्यूशन है और ये है सस्पेंशन। ट्रू सोल्यूशन क्या है, सपोज दैट दिस इज एनी कंटेनर एंड दिस इज हियर कंटेनर एंड सपोज दैट दिस इज वाटर सोल्यूशन एंड स्मॉल पार्टिकल्स एंड हियर solution as a water form and here this particles. In this case this is particles, and in this case particles indicate this point and here particle indicate this point. क्या हमने कहा इसमें कि हमने कंटेनर लिया, वाटर लिया और उसमें हमने क्या एक सॉलिड को डिजॉल्व किया। जब पार्टिकल्स से ये पार्टिकल आपको इंडिकेट किया गया स्मॉल पार्टिकल्स एंड हियर पार्टिकल्स क्या प्रोसेस, क्या बिग साइज। नाउ दिस इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन एंड दिस इज सस्पेंशन। ठीक है, आप जो है इन दोनों के बीच का पार एक कंटेनर यूज कर रहे हैं और इसमें हमने वाटर को इंडिकेट किया। अब ये दोनों पार्टिकल्स जो है इसके जो पार्टिकल्स है इस तरह का इंडिकेट हमने किया, यानी ये आपका है कोलाइड। दैट मीन्स जो कोलाइड्स जो पार्टिकल्स है बिटवीन किसके है ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच के जो पार्ट है वो आपके कोलाइड है। तो पार्टिकल्स का जो साइज है उस बेस पर इसको डिफाइन किया है। क्या डिफरेंस है, अ कोलाइड इज ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन व्हिच साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। जो दोनों के बीच का जो पार्ट है जो स्मॉल पार्टिकल्स है इससे ग्रेटर है इसे ट्रू एंड बिलो लेस देन सस्पेंशन, जो बीच में जो पार्टिकल उसको हम कोलाइड डिफाइन किया गया। ठीक है, अपीयर्स दैट टू कोलाइड्स अपीयर टू बी होमोजीनियस। दिखने में तो क्या लग रहा है, होमोजीनियस लग रहा है, लेकिन एक्चुअली होता है क्या, हो हेटरोजीनियस है जो भाई स्टडी करके पाया गया हेटरोजीनियस। ठीक है, इट इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि देखने में तो लगता है होमोजीनियस लेकिन एक्चुअली होता है क्या, हो
हेटरोजीनियस है, जब हेटरोजीनियस है तो आपका टू सोल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट सोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, मिल्क, ब्लड, डिटर्जेंट, बेस्ट एग्जाम्पल हमने अपने घरों पर देखे हैं कि सॉफ्ट का सोल्यूशन डिटर्जेंट सबसे बेस्ट, सब बोलचाल भाषण करते हैं डिटर्जेंट वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, क्या छोटे छोटे पार्ट में सोते हैं, तो इस टाइप जो है आपके कोलाइड डिफाइन किया गया। ठीक है ना, सब प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड सोल्यूशन क्या है, इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, देखने को क्या लगता है होमोजीनियस है बट एक्चुअली क्या हो हेट्रोजीनियस डिफाइन हो गया एज बाय डेफिनेशन। साइज ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन टू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, टू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच का पार्ट है बाय डेफिनेशन। इट कांट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप, इसके जो पार्टिकल्स हैं इतने छोटे हैं जो तो माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, अगर दिखाई भी देते हैं तो वो कम लेस क्वांटिटी में लेस मात्रा में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इनको अगर जनरल मैसेज को फिल्ट्रेशन किया जाए उनको अलग अलग किया जाए तो वाटर सोल्यूशन से अलग नहीं होते। नेक्स्ट, दीज आर क्वाइट स्टेबल, यानी क्या करते ये इनकी स्टेबिलिटी जो है बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बेटर नहीं है, लेकिन है इसके कंपेरिजन में सस्पेंशन के कंपेरिजन में, सस्पेंशन के कंपेरिजन में जो कोलाइड है पूरा उनकी क्या है स्टेबिलिटी है। ठीक है, बट टू सोल्यूशन या अदर पार्ट जो है स्टेबिलिटी नहीं, सो इट इज द कोलाइड्स डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या है इसका, बिल्कुल इजी है, ऑन द बेस ऑफ पार्टिकल्स, बस दो चीज आपको याद रखना है, क्या करता है टू सोल्यूशन का साइज एंड सस्पेंशन का साइज। ठीक है, टू सोल्यूशन साइज सस्पेंशन साइज एग्जाम्पल्स जो है देख सकते हैं, और दोनों के बीच का जो पार्ट है साइज है वही हमारा क्या है कोलाइड है। ठीक है, अगेन कोलाइड्स क्या है, एक सोल्यूशन है इस टाइप का है, होमोजीनियस का है। ठीक है, लेकिन वो दिखता है होमोजीनियस, एक्चुअली होता क्या है हेट्रोजीनियस का, सो ओवर ऑल कोलाइड हेट्रोजीनियस। ठीक है, thanks.